हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की प्राइवेट या फिर जो रेगुलर ईयरली वाले फॉर्म है उसे आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक लिंक देखने के लिए मिलेगा मैन एक्स प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट स्पेशल परमिशन लॉगिन। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रीवियस ईयर का रोल नंबर दर्ज कर देना है, साथ ही यहाँ पर नीचे आपको मदर या फिर फादर किसी एक का नाम को दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद सिंपली यहाँ आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका प्रीवियस वाला फॉर्म है वो ही ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अभी यहाँ पर सिंपली आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन में लास्ट ईयर जो आपने पास किया वो क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उस पर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, जिस कॉलेज से आपने फर्स्ट ईयर किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर में 2022 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमोटेड में नो सिलेक्ट करना है। ग्रेडिंग सिस्टम होता है आपका, तो इसे येस करेंगे एंड अपना ग्रेड डालेंगे, अदरवाइज इसे नो करेंगे। और यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है फर्स्ट ईयर का वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स को फिल कर देना है और यहाँ पर जो आपके ऑप्टेंड मार्क है उन्हें यहाँ पर फिल कर देना है, यानी जितने मार्क्स आपके आए। परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ नीचे अपडेट पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट स्टेप में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एड्रेस ऑलरेडी फिल होकर आ जाएगा, मोबाइल नंबर्स आपके आ जाएंगे। कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो इसमें अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद नीचे सेव पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर नीचे डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके फोटो सिग्नेचर भी आ जाएंगे। फोटो सिग्नेचर को आप यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ डायरेक्टली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, तो वो आप अपने टीचर से या स्कूल में और बच्चे होते हैं उनसे पता कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपका रहेगा, उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट दिए गए हैं, चार सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी वाले हैं, एक हमें नीचे इसमें से सिलेक्ट करना होगा। तो एक सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पेपर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आफ्टर सबमिशन आप किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसे कन्फर्मेशन के लिए यहाँ ओके करेंगे। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहां आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। आपको यहां पर कितना पेमेंट करना है वो यहां पर देख सकते हैं। तो आपको डिक्लेरेशन पर सिलेक्ट करना है और यहां नीचे पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहां आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहां पर हमारा HDFC का पेमेंट गेटवे ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। पे विद पर क्लिक करेंगे तो HDFC क्रेडिट कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। हमें UPI से पेमेंट करना है तो UPI को सिलेक्ट करेंगे। UPI के कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI ID को दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको UPI ID को दर्ज करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारी UPI ID वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जो आपका पेमेंट, जिसकी भी आपने UPI ID दर्ज की है उस पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। ऐप को ओपन कर लेना है आपको और यहाँ पर आपकी जो फीस पेमेंट है वो आपको पे कर देनी है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉग बैक इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपने पेमेंट को वेरीफाई करना होगा, तो पेमेंट वेरीफिकेशन लिंक इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो दर्ज करके यहाँ वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद अगेन से हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पर रोल नंबर और मदर या फिर फादर में से किसी एक का नाम दर्ज करना है और यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म है फिल हो चुका है। हमें एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करके इसका प्रिंटआउट को डाउनलोड कर लेना है। प्रिंटआउट को डाउनलोड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर में यहाँ पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करा देने हैं। उसके बाद इस फॉर्म को आपको अपना जो भी स्कूल लगता है उस स्कूल में जमा करना होगा। फॉर्म को जमा करने के बाद आपको वहाँ से रिसीप्ट ले लेनी है एंड यहाँ पर और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आपको वीडियो में बताई पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।